जासूसों को हमेशा से ही ऐसा देशभक्त माना जाता है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर देता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ आईबी में काम करने वाले कई अदाम एजेंटों पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। कुछ सच्चाई के इर्द गिर्द तो कुछ काल्पनिक, लेकिन ये फिल्में काफी रोमांचक कही जा सकती हैं। आपको ऐसे ही कुछ फिल्मों के बारे में बताते हैं। मद्रास कैफे। सुजीत सरकार की मद्रास कैफे एक रॉ एजेंट पर बनी फिल्म है। इस पॉलिटिकल थ्रिलर का ताना बाना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उसमें लिट्टे की भूमिका के इर्द गिर्द बुना गया है। डी डे। इस फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया था। इरफान खान ने इसमें रॉ के स्पेशल एजेंट की भूमिका निभाई थी जो पाकिस्तान में डी कंपनी के हर कदम पर नजर रखता है। एक था टाइगर। कबीर खान की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सलमान का रोल रविंद्र कालिया के जीवन से प्रेरित बताया जाता है। रॉ के अंडरकवर एजेंट के रोल में सलमान का सामना उन्हीं की तरह अंडरकवर पाकिस्तान एजेंट से होता है। बेबी। एक्शन स्पाई थ्रिलर बेबी में रॉ के काम करने के तरीकों को बारीकी से दिखाया गया है। सीक्रेट एजेंट्स की एक टीम बेबी नाम से बनाई जाती है जो आतंकियों का सामना करती है। इसमें अक्षय कुमार ने अंडरकवर एजेंट अजय सिंह राजपूत की भूमिका निभाई थी। नाम शबाना। बेबी के एक किरदार को लेकर नाम शबाना बनाई गई। महिला सीक्रेट एजेंट पर बनी यह बॉलीवुड की पहली फिल्म कही जा सकती है। तापसी पन्नू ने फिल्म में शबाना का किरदार निभाया था। द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी। सनी देओल इस फिल्म में एक गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कश्मीरी लड़की प्रीति जिंटा सनी की सहायक बन दुनिया को न्यूक्लियर बम हमले से बचाने में मदद करती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही थी। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।